मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये मुख्तसर सी वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए पैगाम है मेरी जान से, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए। और वो होम्योपैथ जो अभी थोड़ा तजर्बा रखते हैं, 5-7 साल जिनका तजर्बा है, तो देखिए आप चाहे स्टूडेंट हैं या कम तजर्बा कार मालिक, बात एक ही है। और मेरी एक बात गौर से पल्ले बांध ले, बजाय हर किसी से हर मर्ज की अद्वियात और टिप्स पूछने के, खुद केस टेकिंग सीखिए। कहाँ तक उधार पर आपका काम चलेगा, इसी में आपकी कामयाबी का राज है। और अमराज इतने ज़्यादा हैं कि आप सारी उम्र टिप्स और फार्मूले पूछते पूछते आपकी उम्र गुजर जाएगी। और क्या फ़ायदा ऐसी प्रैक्टिस का जो दूसरों की हर लम्हे दूसरों की मदद की मोहताज हो। देखिए मटीरिया मेडिका समझने से भी पहले केस टेकिंग का आना ज़रूरी है। अपने शहर के सीनियर होम्योपैथ के गोडे गिट्टे पकड़ें और केस लेना सीखें, ये बहुत आम बात है। अपना मुतालिया फ्री करें, और अगर आप इस फील्ड में आ ही गए हैं और रहना चाहते हैं तो कुछ मेहनत तो करना पड़ेगी। और अगर आप इस पैथी में दिलचस्पी रखते हैं तो होम्योपैथी आपके लिए चंदा मुश्किल नहीं है, शर्त सिर्फ लगन और दिलचस्पी की है। और अगर आपको होम्योपैथी में लगन और दिलचस्पी नहीं है तो ये लेबर जॉब तो है ही नहीं। इस ऐसे अगर ऐसी बात है तो कामयाबी के इम्कानात मशकूक है। घर से बाहर निकला करें, शहर के दूसरे साथियों के साथ राव रसम बढ़ाएं, कम्युनिकेशन बढ़ाएं, इंटरेक्शन बढ़ाएं, मिलजुल कर स्टडी करने की आदत डालें, जहाँ सेमिनार्स हो वहाँ जाया करें। और ये ना सोचें कि क्लिनिक का रज होगा, क्लिनिक का रज नहीं होता। जब ये आप टाइम कहीं देते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ इल्मी गुफ्तगू होती है, तो एक्चुअली आप अपना इल्म इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन रिटर्न आपको बहुत कुछ मिलने का है। जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपका इल्म बढ़ता है, दिमाग की गिरें खुलना शुरू हो जाती हैं, बसीरत बढ़ती है, विजन आती है। और एक बात और, आपकी टेबल पर लैपटॉप या पीसी का होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट की सहूलत हो, इंग्लिश अच्छी हो, अच्छी किताबों का मुतालिया करते रहा करें, और इंशाल्लाह चंद ही सालों में आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस में खुद एतमादी आती चली जाएगी। ज़माने के जो 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 गर्दो पेश होते हैं, ज़माने के जो तकाजे होते हैं, उनके मुताबिक चलना बहुत ज़रूरी होता है। देखें दाना की क्या तारीफ़ है, दाना की तारीफ़ यह है जो असर को जानता हो, और असर कहते हैं ज़माने को। ज़माने में जो तब्दीलियां आती हैं, जो स्पीड इसमें आती है, जो नई नई चीज़ें आती, उसमें उनकी अडाप्टिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर अडाप्टिबिलिटी नहीं है तो आप पीछे रह जाएंगे। तो होम्योपैथिक प्रैक्टिस में किताबों का ज़माना कम होता जा रहा है, और लैपटॉप और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स का अमल दखल ज़्यादा हो रहा है। और मैंने देखा है कि ये लैपटॉप में जब हम होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं तो काम ना सिर्फ आसान हो जाता है बल्कि वक्त की भी बहुत बचत हो जाती है। ये मैं हर अपने सेमिनार में, हर शहर में यही बात रिपीट करता हूँ कि देखें आप अपना अपनी प्रैक्टिस को लैपटॉप पर, पीसी पर लेकर आएं और होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करें। तो ये था मुख्तसर सा बयान होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए। मेरी फेसबुक पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐड हैं, अगरचे मेरे सीनियर साथी मौजूद हैं, लेकिन मेरा फोकस हमेशा स्टूडेंट्स और ले मैन वालजीन होते हैं। तो आप लोग मेरी फेसबुक आईडी पर आ सकते हैं,
फ्रेंड रिक्वेस्ट में तो गुंजाइश नहीं है, 5,000 ही होते हैं, लेकिन वो आप फॉलो कर सकते हैं मुझे और मेरे साथ आप इंटरेक्शन में रह सकते हैं। तो ये आज के लिए ये थोड़ा सा पैगाम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए था। थैंक यू सो मच, और आप हमारा चैनल देखते रहा करें।